सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज केंद्र सरकार के द्वारा सदन का सत्र शुरू होने से पहले की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में मैंने संघीय ढांचे पर लगातार केंद्र सरकार की ओर से जो प्रहार हो रहा है, हमला हो रहा है, राज्य सरकारों के अधिकारों को लगातार छीना जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार को लगातार जो छीना जा रहा है, इन सवालों को सरकार के सामने रखा। और यह बहुत ही गंभीर मामला है, कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे आपके राजनीतिक मतभेद 1000 हो सकते हैं, लेकिन सिंगापुर की सरकार ने वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित किया, किसी और ने नहीं, सिंगापुर की सरकार ने, जहां पूरे दुनिया भर के नेता आ रहे हैं, और उन्होंने बुलाया दिल्ली के सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, कहा आइए और दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए, दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए। वो दिल्ली मॉडल जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव बान की मून जी देखने आते हैं, वो दिल्ली मॉडल जिस दिल्ली मॉडल को नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री देखने आते हैं, वो दिल्ली मॉडल जिसको देखने के लिए दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, उस दिल्ली मॉडल को जानने और सुनने के लिए सिंगापुर की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया और कहा कि मुख्यमंत्री जी आइए और दुनिया के मंच पर दिल्ली मॉडल के बारे में बताइए। इस बात की तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, इस बात की तो खुशी होनी चाहिए थी भारत की सरकार को कि कम से कम हिंदुस्तान में एक सरकार तो ऐसी है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है, सिंगापुर बुलाया जा रहा है। लेकिन बजाय इसके अरविंद केजरीवाल से डरने वाले नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से डरने वाले नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को यात्रा की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उनका एक फर्जी मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, जिसका कष्ट पूरा देश भोग रहा है, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में। उनका एक फर्जी मॉडल है गुजरात का, जहां बाढ़ के कारण पूरा का पूरा गुजरात आज त्राही त्राही कर रहा है, हाईवे की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। एक फर्जी मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का, और उस फर्जी मॉडल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का एक असली सच्चा जनता के लिए काम करने वाला मॉडल है। यह नकली बनाम असली का खेल है, नकली दिखाकर देश की जनता को मूर्ख बनाने का जो डमरू बजा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका खुलासा ना हो जाए इसलिए अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल के मॉडल से डर लगता है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल को यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही। एक निर्वाचित और 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को, 1-2 बार नहीं, 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, जिन्होंने 1.25 महीने से अर्जी दे रखी है कि मुझे सिंगापुर में जाके अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिल्ली मॉडल के बारे में बताना है, मुझे कृपा करके अनुमति दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप शायद याद नहीं कर रहे होंगे या भूल गए होंगे, आपको याद नहीं होगा, आप अमेरिका जा रहे थे, आपको अमेरिका का वीजा नहीं मिला, पूरे दिन रात आप रोया करते थे, और तब पूरे देश ने इसकी आलोचना की कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को कम से कम वीजा तो मिलना चाहिए।
और आप वही काम केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं। उनको सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्यों डरते हो आप केजरीवाल से? क्यों डरते हो केजरीवाल के मॉडल से? क्यों डरते हो आप अरविंद केजरीवाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके दिल्ली के शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, माताओं बहनों की फ्री बस की यात्रा के बारे में बताएंगे? क्यों डर लगता है आपको? आप इतना डरते हैं कि हर रैलियों में आजकल एक ही प्रलाप कर रहे हैं, फ्री रेवड़ी, फ्री रेवड़ी, फ्री रेवड़ी। अरे चिंता मत कीजिए मोदी जी, रेवड़ी क्या होती है अभी मैं बता रहा हूं आपको। रेवड़ी आपने कैसे बांटी है ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये रेवड़ी बांटी है आपने अपने मित्र अडानी जी को। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके आपने अपने मित्र अडानी जी को रेवड़ी बांटी है। 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करके, 72,000 करोड़ का लोन माफ करके आपने अपने मित्र अडानी को एक रेवड़ी बांटी। उसके बाद आपने एक आरटीआई के जरिए, आपकी सरकार ने जानकारी दी है, मेरी जानकारी नहीं है, ये एक शख्स हैं, उन्होंने सरकार से पूछा, जिनका नाम है प्रफुल्ल सारदा जी। प्रफुल्ल सारदा जी ने पूछा कि भाई आपकी सरकार ने कितने लोगों का लोन माफ किया है? तो भारत की सरकार ने बताया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बताया, आप फिगर सुनेंगे चौंक जाएंगे, 11,00,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया है। 11,00,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया है, देश को तबाह कर दिया, दिवालिया कर दिया है, बैंकों को खाली कर दिया। तो अपने पूंजीपति मित्र अडानी जैसे मित्रों को आप रेवड़ी बांट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपको देख रहा है। 11,00,000 करोड़ रुपए की रेवड़ी आपने बांट दी। आपको नौजवानों को रोजगार देना होता है तो आप कहते हैं पैसा नहीं है, महंगाई कम करनी होती है तो कहते हैं पैसा नहीं है, पेट्रोल डीजल का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है, गैस के सिलेंडर का दाम कम करना है तो कहते हैं पैसा नहीं है। लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों का 11,00,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। ये बैंकों में किसका पैसा जमा है? कर्मचारी का है, आम आदमी का है, नौजवान का है, किसान का है, मजदूर का है, माताओं बहनों का है, छोटे व्यापारियों का है। और वो पैसा निकाल निकाल के अडानी जैसे चंद पूंजीपतियों को आप बांट रहे हैं। और जब वो कर्जा चुका नहीं पाते तो आप माफ कर देते हैं। 11,00,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया आपने। ये है रेवड़ी जो आपने अपने पूंजीपति मित्रों को बांटा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी सरकार ने बताया, बाद में मत कहिएगा संजय सिंह ने आरोप लगाया था, आपकी सरकार ने बताया, आरटीआई की जानकारी के जरिए बताया। और मैं बताता हूं रेवड़ी क्या है। एक कंपनी है डीएचएफएल, ये कंपनी है डीएचएफएल जिसने बैंकों से 34,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। वो फिगर बाद में और निकल के आया, कुछ उसमें और बढ़ा है, 42,000 करोड़ रुपए का फिगर आया है। 17 बैंकों से पैसा लिया डीएचएफएल ने, 17 बैंकों से पैसा लिया 34,000 करोड़ रुपए। बैंक को कंगाल कर दिया, बैंक को खाली कर दिया डीएचएफएल ने। और बाद में जब उसकी पड़ताल की गई कि भाई ये डीएचएफएल कौन है, ईडी ने इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, सीबीआई ने इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, तो पता चला ये तो भाजपा वालों के दोस्त हैं। 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली, अपने आप को दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को डीएचएफएल ने
27 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और उसके बदले में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का लुटवा दिया। इस कंपनी से कहा डाका डाल के लूट लो, लुटवा दिया 17 बैंकों का। तो नरेंद्र मोदी जी, इसको कहते हैं रेवड़ी, इसको कहते हैं लेन देन, इसको कहते हैं एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। एक हाथ से 27 करोड़ का चंदा लिया भाजपाइयों ने और दूसरे हाथ से कहा बैंकों को लूट डालो, 34,000 करोड़ रुपए लूट लिया। और रेवड़ी बताता हूं, अडानी, इनको तो आपने देखा होगा, किसी भी एयरपोर्ट पे जाइए, पहले लिखा रहता था भारत सरकार का एयरपोर्ट, अब लिखा रहता है अडानी का एयरपोर्ट। लखनऊ में उतरिए अडानी का एयरपोर्ट, किसी भी एयरपोर्ट में उतरिए अडानी का एयरपोर्ट। पिछले दिनों जयपुर गया अडानी का एयरपोर्ट, जोधपुर गया अडानी का एयरपोर्ट। तो ये अडानी को एयरपोर्ट दिया नरेंद्र मोदी जी ने, औने पौने दामों में एयरपोर्ट की महंगी जमीनें दे डाली। सुनिए किसको रेवड़ी, इस देश की जनता को पता चलना चाहिए किसको रेवड़ी बांट रहे हैं मोदी जी। तो जब सब जमीन मिल गई उनको, तो अडानी ने कहा भाई जमीन दे दी, अब हम इसमें बनाएंगे कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम बनाएंगे। बोले चिंता मत करो, हम लोन दिला रहे तुम्हें, हम गारंटी लेंगे तुम्हारी। 12,000 करोड़ रुपए का SBI से लोन दिला रहा। SBI ने गारंटी ली, अगर ये नहीं चुकाएंगे हम चुकाएंगे हुजूर, चिंता मत करना। 12,000 करोड़ रुपए SBI की गारंटी पे लोन दिलाया, ये हो रहा है इस देश के अंदर। और आगे रेवड़ी बताता हूं मैं। आज मैंने सर्वदलीय बैठक में यह मुद्दा भी उठाया, मैंने कहा भाई इंडिया का कोयला राज्य सरकारों की बिजली कंपनी को, जहां पर थर्मल पावर प्लांट है या केंद्र सरकार के थर्मल पावर प्लांट जहां पर हैं, इंडिया का कोयला उनको मिलता है 3,000 रुपए प्रति टन। 7 दिसंबर 2021 को मोदी जी की सरकार मीटिंग करती है राज्य सरकारों के साथ और कहती है आपको 10% कोयला विदेशों से खरीदना पड़ेगा। तो जब वो विदेशों कह रहे थे, मैंने उसी समय कहा था कि विदेशों का मतलब है अडानी से खरीदना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर कई लोग सवाल उठाए कि अभी तो खरीदा नहीं, आप लोग तो तुरंत चिल्लाने लगते हैं। तो वही बात सच साबित हुई, राज्य सरकारों से कहा कि 10% कोयला आपको जबरन खरीदना ही पड़ेगा, नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे यहां कोयला भेजना केंद्र सरकार बंद कर देगी। और आपको याद होगा कि 2 महीने पहले हल्ला मचाया गया कोयले का संकट, कोयले का संकट, कोयले का संकट, यह है कोयले का संकट। पता कर लीजिएगा, आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, 32% कोयले का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बढ़ा है। आप लोग भी पत्रकार हैं, जान लीजिए आपके जेब पर भी लूट होने वाली है, 2 रुपए यूनिट बिजली के दाम बढ़ेंगे, ये समझ लीजिए आप। भारत की कोल इंडिया कंपनी का प्रोडक्शन 32% बढ़ा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, कोल सेक्रेटरी ने बताया है, इस बात की जानकारी दी है, कोल इंडिया की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जब भारत का कोयले का उत्पादन 32% बढ़ा है तो आप अडानी से कोयला क्यों मंगा रहे हैं, राज्य सरकारों को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो 10% कोयला विदेशों से मंगाएं, जब हमको 3,000 रुपए टन भारत का कोयला मिलता है तो आप अडानी का कोयला 30,000 रुपए टन क्यों मंगवा रहे हैं, क्यों मंगवा रहे हैं विदेशों से आप। कोल इंडिया ने अभी टेंडर किया है, जो टेंडर अडानी को मिला, जो मेरा शक था वो सही साबित हुआ, अडानी को मिला, अडानी की विदेशों में कोयला की खदानें हैं। इसको कहते हैं नरेंद्र मोदी जी रेवड़ी बांटना अपने मित्र को,
आपने 3,000 टन कोयले की जगह 30,000 रुपए टन भारत के राज्य सरकारों से दिलवाने की योजना बनवा दी। इसको कहते हैं रेवड़ी। और अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री हर घर को। अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, फरिश्ते योजना, 50 लाख का भी इलाज हो तो दिल्ली की सरकार उठाएगी। बताइए ये रेवड़ी है क्या? हमारी माताएं बहनें जो मजदूरी करती हैं, जिनको 50 रुपए 100 रुपए रोज बस में खर्च करना पड़ता था, केजरीवाल जी उनके लिए बस की यात्रा फ्री करते हैं। वो ऑटो वाले की, वो रिक्शे वाले की बेटी जो कॉलेज जाने के लिए 100 रुपए खर्च करती थी, उसके लिए बस की यात्रा फ्री करते हैं। बताइए ये रेवड़ी है क्या? मासूम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये रेवड़ी है क्या? मुफ्त में दवाएं दे रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, पानी मुफ्त में दे रहे हैं, ये रेवड़ी है क्या? ये आम इंसान की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर रेवड़ी से इतनी परेशानी है तो अपने सारे सांसदों को जो 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है उसको बंद कराइए। हर महीने 5,000 यूनिट फ्री बिजली, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी सुविधाएं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सब बंद कराइए। जनता को बिजली फ्री दे दें केजरीवाल तो रेवड़ी है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो रेवड़ी है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दे दें तो रेवड़ी है, पानी मुफ्त दे दें, दवा मुफ्त दे दें तो रेवड़ी है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा दें तो रेवड़ी है, और अपने पूंजीपति मित्रों का, अडानी जैसे मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी आप माफ कर देते हो, वो क्या है? बताइए वो क्या है, हम पूछना चाहते हैं आपसे, वो बताइए देश को कि क्या है। DHFL से 27 करोड़ चंदा लेके 34,000 करोड़ रुपए देश का लुटवा देते हैं, वो क्या है? वो कहां की रेवड़ी है? लखनऊ की रेवड़ी है कि इंदौर की रेवड़ी है? कहां की रेवड़ी है वो, कि गुजरात की रेवड़ी है? कहां से बांटते हैं आप? तो मोटे मोटे तौर पे ये सारी बातें आपके सामने रखनी थी। मैंने ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का भी मामला सर्वदलीय बैठक में उठाया और मैंने कहा कि अगर आप सत्येन जैन जैसे लोगों को, जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देते हैं, जो 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप जेल में सड़ाने का काम करेंगे, अगर विपक्ष के लोगों का ऐसे गला घोटने का काम करेंगे, तो ये अच्छी राजनीति का संदेश आप देश को नहीं दे रहे हैं, और सदन में इन बातों को लेकर विरोध करेंगे हम लोग, ऐसे शांति से बैठने वाले नहीं है, इन बातों को लेकर विरोध करेंगे।